हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वर्ग 17 यानी कि 7B के तत्वों को हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन तत्व जो है उपस्थित हैं। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पर हैलोजन के सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें बताया गया है कि इन तत्वों के बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2NP5। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि इनके भीतर के कोष जो होते हैं वो पूर्णता भरे हुए होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि इनके भीतर के कोष जो है वो पूर्णता भरे हुए होते हैं। तो जैसे अभी आपको यहाँ पर बताया गया इसमें कौन कौन से तत्व हैं, इसमें आपको बताया गया फ्लोरीन, इसके अलावा आपको बताया गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इसके अलावा एस्टेटीन। तो ये सभी तत्व आपको यहाँ पर बताए गए हैं और इसके अलावा इन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक भी आपको बताए गए हैं। इसका आपको बताया गया है 9, इसका यहाँ पर 17, इसके बाद ब्रोमीन का आपको बताया गया था 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटीन का आपको बताया गया है 85। ये सभी आपको बताए गए हैं। तो अगर इनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक कितना है 9। तो अगर इसका आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, इसके अलावा 2s2 और 2p5 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 2, 4 और 5, 9 इसका हो गया। इसी प्रकार से आप क्लोरीन का करेंगे तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, इसके बाद हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, इसके बाद 3s2 और फिर हो जाएगा 3p5। इस प्रकार से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया किस प्रकार जाता है इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ब्रोमीन, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, इसके बाद 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, 3s2, इसके बाद हो जाएगा 3p6, फिर हो जाएगा 3d10, इसके बाद 4s2, फिर हो जाएगा 4p5 इस प्रकार से इसका हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए आयोडीन, अब इसका जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2, इसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, इसके बाद 3p6, फिर हो जाएगा 3d10, इसके बाद 4s2, फिर हो जाएगा 4p6, इसके बाद 4d10 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 5s2 और फिर हो जाएगा 5p5 इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पर एस्टेटीन का करना है। तो जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, इसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर हो जाएगा 3d10, इसके बाद 4s2, 4p6, फिर हो जाएगा 4d10, इसके बाद हो जाएगा 4f14, फिर 5s2, इसके बाद 5p6, 5d10 और फिर यहाँ पर होगा 6s2 और 6, इसके बाद हो जाएगा p5। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनके बाह्य कोष में ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आया है इस प्रकार से, यहाँ पर ये आया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और वही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इन सभी में ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया था NH2NP5, तो इन सभी में ध्यान दीजिए H2P5, यहाँ पर भी H2P5, यही सब में आया है। बस आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 6 है, इसीलिए लिखा गया था यहाँ पर NH2NP5। इस N का नंबर बदलेगा, बाकी H2 और P5 यही जो यहाँ पर होगा। इसलिए बताया गया था कि इन तत्वों के बाह्य कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2NP5 होता है। ये आप लोग याद रखेंगे।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला गुण यानी कि भौतिक अवस्था। तो इसमें बताया गया पर F2 से I2 यानी कि फ्लोरीन से आयोडीन तक आकार में वृद्धि के साथ वैन डर वाल्स बलों में वृद्धि होने के कारण अवस्था जो है वो गैस से ठोस में परिवर्तित होती जाती है। याद रखिएगा अवस्था जो है वो गैस से ठोस में परिवर्तित होती जाती है। अतः फ्लोरीन तथा क्लोरीन जो है ये गैस अवस्था में, इसके अलावा ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में, तथा आयोडीन जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये आप लोग याद रखेगा यहाँ पर कि फ्लोरीन से आयोडीन तक जो है आकार में वृद्धि के साथ जो है वैन डर वाल्स बलों में वृद्धि होने के कारण अवस्था जो है वो गैस से ठोस में बदलती है। तो यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैस अवस्था में होती है, इसके अलावा ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में, और आयोडीन जो है ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ अन्य गुण दिए गए हैं, इन्हें समझने के लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए गुण, तो ये तो हो गए गुण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन से तत्व थे इनके बारे में भी ध्यान दीजिए। आपको इसमें बताया गया था फ्लोरीन के बारे में, इसके अलावा क्लोरीन, इसके अलावा ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग परमाणु त्रिज्या की बात करें तो परमाणु त्रिज्या जो हम लोग एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। तो अगर फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या की बात करें तो इसका मान होता है 0.72। इसके अलावा अगर क्लोरीन की बात करें तो इसका होता है 0.99 और ब्रोमीन का होता है 1.14 और आयोडीन की परमाणु त्रिज्या होती है 1.33। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कम है यानी कि 0.72, फिर इससे अधिक है क्लोरीन की, फिर इससे अधिक है ब्रोमीन की, और सबसे अधिक यहाँ पर है आयोडीन की। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो बढ़ता है, और यहाँ पर जो भी मान लिखे गए हैं वो सभी यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में होंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या का मान भी जो है वो एंगस्ट्रॉम में होगा। अगर यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो इसकी आयनिक त्रिज्या होती है 1.36, इसके अलावा क्लोरीन की होगी 1.81 और ब्रोमीन की होगी 1.95 और आयोडीन की होगी 2.16। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आयनिक त्रिज्या का मान भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। फ्लोरीन की सबसे कम त्रिज्या है और सबसे अधिक यहाँ पर है आयोडीन की। तो ऊपर से नीचे जाने पर जो है यहाँ पर आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। इसके बाद ध्यान दीजिए आयनन विभव, इसका मान हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर यहाँ पर फ्लोरीन की बात करें तो इसका आयनन विभव होता है 17.4। इसके बाद क्लोरीन की बात करें तो इसका होता है 13.0। इसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन का होता है 11.8। इसके बाद आयोडीन, आयोडीन का होता है 10.4। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आयनन विभव जो है फ्लोरीन का सबसे अधिक है और आयोडीन का यहाँ पर सबसे कम है, यानी कि यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर जो है अब की बार आयनन विभव का मान घट रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है। इसके अलावा परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या इन दोनों के मान जो है बढ़ते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसका मान भी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है 3.45, इसके अलावा क्लोरीन की होती है 3.61, इसके बाद ब्रोमीन की होती है 3.36 और फिर आयोडीन की होती है 3.06। तो इन सभी में ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 3.61। तो इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होगी। फिर इससे अधिक किसकी होगी? ध्यान दीजिए 3.45 यानी कि फ्लोरीन की। तो सबसे अधिक होगी क्लोरीन की, फिर इससे कम होगी फ्लोरीन की, और फिर इससे कम किसकी होगी? ध्यान दीजिए यहाँ पर 3.36 यानी कि ब्रोमीन की, और सबसे कम यहाँ पर हो जाएगी आयोडीन की। इस प्रकार से तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे कम होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता,
अगर यहाँ पर हम लोग विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो होती है 4, इसके अलावा क्लोरीन की होती है 3, ब्रोमीन की होती है 2.8 और आयोडीन की होती है 2.5। इस प्रकार से तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे अधिक है फ्लोरीन की और सबसे कम किसकी है यहाँ पर, आयोडीन की। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होती है, यानी कि 4 होती है। और वर्ग में जो है नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है घटता जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, बंध ऊर्जा, इसका मान जो होता है वो किलो कैलोरी प्रति मोल में लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं किलो कैलोरी प्रति मोल। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फ्लोरीन की बंध ऊर्जा होती है वो होती है 37 और क्लोरीन की होती है 58, इसके बाद ब्रोमीन की होती है 46 और आयोडीन की होती है 36। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है, क्लोरीन की, फिर इससे कम किसकी है, ब्रोमीन की, फिर इससे कम फ्लोरीन की और सबसे कम यहाँ पर किसकी है, आयोडीन की। यानी कि यहाँ पर बंध ऊर्जा जो है सबसे अधिक किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, फिर इसके बाद ध्यान दीजिए इससे कम किसकी होगी, ब्रोमीन की, फिर इससे कम फ्लोरीन की और सबसे कम यहाँ पर किसकी हो जाएगी, आयोडीन की हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला गुण, यानी कि आक्सी कारक गुण। तो इसमें बताया गया कि अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण हैलोजन परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सरलता से अपचयित तो हो जाते हैं। इस कारण सभी हैलोजन प्रबल आक्सीकारकों की भांति जो है कार्य करते हैं। अतः आक्सीकारक गुण का क्रम जो है वो निम्न होता है, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर आक्सीकारण क्षमता जो है किसकी होगी, वो होगी फ्लोरीन की यानी कि F2 की, इससे कम क्लोरीन यानी कि Cl2 की, इससे कम ब्रोमीन यानी कि Br2 की होगी और सबसे कम यहाँ पर आयोडीन यानी कि I2 की होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कि सबसे प्रबलतम आक्सीकारक कौन है, F2 यानी कि फ्लोरीन, और यहाँ पर सबसे दुर्बलतम आक्सीकारक कौन है, आयोडीन यानी कि I2। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो F2 है इसका मानक अपचयन विभव भी सबसे अधिक होता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा कि इसका मानक अपचयन विभव भी जो है सबसे अधिक होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला गुण, यानी कि रंग। तो इसमें बताया गया कि समूह में नीचे की ओर जाने पर तत्वों का रंग जो है वो गहरा होता जाता है। जैसे जैसे आप समूह में नीचे जाएंगे जितने भी तत्व हैं उनका रंग जो है वो गहरा होता जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो जो फ्लोरीन है इसका कलर होता है हल्का पीला। फ्लोरीन का कलर जो होता है वो होता है हल्का पीला, हल्का पीला। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का जो कलर होता है वो होता है बैंगनी, बैंगनी। तो यही आपको बताया गया कि समूह में नीचे की ओर जाने पर तत्वों का रंग जो है वो गहरा होता जाता है। तो सबसे पहला तत्व क्या है यहाँ पर, F यानी कि फ्लोरीन, तो इसका कलर होता है हल्का पीला। और यहाँ पर लास्ट में कौन होगा, आयोडीन, तो इसका कलर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बैंगनी हो जाएगा। तो आप लिखना चाहे तो आप बता सकते हैं ये यहाँ पर क्या है, हैलोजन, हैलोजन, और ये इनका यहाँ पर कलर हो जाएगा यानी कि रंग। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।